नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचक की विशेष माना गया है। ये 5 दिन बेहद अशुभ होते हैं। पंचक चूंकि हर महीने आते हैं, इसलिए शुभ कार्य करने से पहले हिंदू धर्म में पंचक का भी विचार करने की परंपरा है। पंचक का संबंध दिन से भी है और दिन के आधार पर पंचक का नाम तय होता है, साथ ही इसका महत्व भी अलग होता है। इस बार मार्च में चोर पंचक लग रहे हैं। आइए जानते हैं चोर पंचक मार्च 2024 की डेट। इस दौरान किन नियमों का आपको ध्यान रखना है। मार्च में चोर पंचक 8 मार्च 2024 को रात 9:20 से शुरू हो रही है। इस दिन महाशिवरात्रि है। इसकी समाप्ति 12 मार्च 2024 को रात 8:29 पर होगी। चोर पंचक में धन हानि की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे नहीं करने चाहिए। यात्रा करने की भी मनाही होती है। चोर पंचक के नियमों को अनदेखा करने पर धन हानि हो सकती है। व्यक्ति कर्ज की कगार पर भी जाता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचकों को अशुभ मानते हुए समस्त शुभ कार्यों की मनाही की गई है। विशेषकर नए घर की नींव या छत डालना या व्यापार आरंभ करना, विवाह करना, उपनयन संस्कार, नए वस्त्र खरीदना, नया निवेश करना आदि भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर नुकसान की आशंका बनी रहती है। आइए जानते हैं पंचक के नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव। पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, सद्विषा, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। रेवती नक्षत्र में नुकसान व मानसिक तनाव होने की संभावना होती है। धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। सद्विषा नक्षत्र में वाद विवाद होने के योग बनते हैं। पूर्व भाद्रपद रोग कारक नक्षत्र है, यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उत्तर भाद्रपद में धन हानि होने के योग बनते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।